पानीपत जालंधर हाईवे पर लगे सैकड़ों इमरजेंसी कोल बॉक्स बने सफेद हाथी, करोड़ों रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजना, अधिकारियों की लाल फीताशाही की परवान चढ़ गई। जीटी रोड पर सफर करने वाले यात्रियों को किसी भी दुर्घटना, व्हीकल ब्रेकडाउन या अन्य आपात स्थिति में बटन दबाते ही सहायता मिलनी थी। पानीपत जालंधर हाईवे पर सड़क किनारे लगा पीपली कस्बा स्थित यह एक इमरजेंसी कॉल बॉक्स है, जिसका बटन दबाते ही ऑपरेटर से बात करना संभव था और जीटी रोड पर सफर बनने वाले यात्रियों को किसी भी दुर्घटना, व्हीकल ब्रेकडाउन या अन्य आपात स्थिति में सुविधा मुहैया कराने की यह महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसके लिए पानीपत से जालंधर तक 2 किलोमीटर के दायरे में सैकड़ों कॉल बॉक्स लगे हुए हैं। ऑप्टिकल फाइबर भी बिछी हुई है, सोलर पैनल लगा है, यानी करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाकर खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन साल दर साल बीते जा रहे हैं और यह इमरजेंसी कॉल बॉक्स काम नहीं करते हैं। अधिकारियों से बात की जाए तो कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके दावे हवा हवाई हो गए हैं। यूं तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी जब भी हम कहीं बाहर अंदर जाते हैं, अपनी गाड़ी से जाते हैं, तो हमारे से हजारों लाखों नहीं करोड़ों रुपए का वो टोल टैक्स लगाती है, जो कि इस नाम पे लगाती है कि वो हमें आपको अच्छी सड़कें देंगी और उसके बाद जो हमारी जनसाधारण की जो ज़रूरतें हैं वो पूरे करेंगी, जिसमें से एक ये था कि सिक्योरिटी के लिए यदि आपको इमरजेंसी में कोई ज़रूरत हो जाए तो बटन वगैरह वो लगाते हैं, जिसमें आपको एट द स्पॉट यदि वो बटन पुश करो तो फटाफट वो वहाँ पे आपको इमरजेंसी में जो भी सुविधा चाहिए, जैसे एक्सीडेंट की होगी या कोई आपकी पेट्रोल की होगी या किसी टाइप की भी होगी, तो वो फटाफट उस चीज़ का समाधान करेंगे। लेकिन ये जो सुविधा थी हमें 16 तक ये कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज 2019 आ गया है तो ये जो है इन्होंने कुछ भी नहीं किया, और सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे ये नहीं समझ आती कि इनके प्रति इतनी ढीला रुख क्यों अपना रही है, और वैसे वो इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हम हर तरह से जो काम करते हैं वो समय पे करवा रहे हैं और फटाफट करवा रहे हैं, लेकिन इस मामले में मुझे ये समझ से बाहर है वो इतनी लेट कर रहे हैं और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई पेनल्टी नहीं लग रही, जिसका खमियाजा हमें आम पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा ये जल्द से जल्द इसको करा जाए और इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। आपका परिचय? सुरेंद्र अरोड़ा। तो इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाए जाने थे और वो बहुत ही अच्छी स्कीम थी सरकार के द्वारा और नागरिकों के उत्थान के लिए, कि जिसका भी कोई एक्सीडेंट होता था, जिसको भी कोई इमरजेंसी होती थी, राह चलते सड़क के ऊपर देखा जाता है कि कोई भी इंसान उपलब्ध नहीं हो पाता, कोई भी सुविधा इंसान को उपलब्ध नहीं हो पाती जब वो हाईवे पे चल रहा होता है, कोई उसकी देख रेख के लिए कोई उपचार नहीं होता। तो जब ये इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाए जाने का प्रावधान इशू हुआ था तो लोगों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी और बहुत ज़्यादा बनाई का काम था कि वो जब भी वो बटन प्रेस करेंगे तो उससे कोई ना कोई उनको सुविधा मिल जाएगी, उनको कोई ना कोई ऐसा उपचार मिल जाएगा। अगर कोई नागरिक का एक्सीडेंट हो जाए और वो उसको बटन पर दबा दे तो उसको उपचार के लिए उसको कोई एम्बुलेंस वगैरह की सुविधा उसको मिल जाएगी। लेकिन देखा गया है कि ये 2016 तक ये स्कीम पूरी लागू हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये कागजों में ही पड़ी रह गई है, कागजों में ही फाइलों के अंदर दबी रह गई है। पता नहीं जो बॉक्स है वो कहाँ लगे हैं, किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, इस सब का कुछ नहीं पता, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है कि नागरिकों को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ऐसा जी, गवर्नमेंट बड़े बड़े वादे करती है, नेशनल हाईवे पे जो टोल टैक्स लिया जाता है हमारे से, और जब सुविधा का टाइम आता है बटन लगने थे इमरजेंसी कॉल के लिए, बटन लगने थे, और जब वो लगाने का टाइम आया और वो सब फाइलें दब के रह गई और कुछ भी मतलब बटन नहीं लगे, और जो दो चार जगह लगे हैं और वो सब बंद पड़े हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, और ये वादे सब झूठे हैं, और इसके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। जब टोल टैक्स लिया जा रहा है पब्लिक से तो उसका पब्लिक को सुविधा भी देनी चाहिए। आपका परिचय? मैं सुनील कक्कड़, मेन बाजार।